तो दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट फैन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकॉन को, लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट पाए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट फैन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन 2018 के हवाले से, यानी वो 10 प्लेयर इंडियन प्लेयर जिस पर सबसे ज़्यादा बोली लगी है, यानी वो 10 इंडियन प्लेयर जो कि करोड़पति बन गए हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर हम बात करें 10वें नंबर की यानी 10, तो 10वें नंबर पर है यशविंदर चहल, जिसको आरसीबी ने रिटेन किया है 6 करोड़ में। यानी यशविंदर चहल एक बार फिर आरसीबी की जानिब से खेलते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें 9वें नंबर की, तो 9वें नंबर पर है अनएक्सपेक्टेड ईशान किशन, जिस पर 6.2 करोड़ की बोली लगी है, जिस पर मुंबई इंडियन ने 6.2 करोड़ की बोली लगाई है और इस बार वो मुंबई इंडियन की जानिब से खेलते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें 8वें नंबर की, तो 8वें नंबर पर है रॉबिन उतप्पा को KKR ने RTM कार्ड के हेल्प से रिटेन किया है और वो भी 6.4 करोड़। और अगर हम बात करें 7वीं नंबर की तो 7वीं नंबर पर है एक ही एग्रेसिव बैट्समैन और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक जैसे विकेट कीपर को हर टीम की तलाश है और हर टीम ने इस पर बोली लगाई है। फाइनली KKR ने इसको 7.4 करोड़ में ख़रीद लिया है, यानी इस बार दिनेश कार्तिक KKR की जानब से खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर दो तो हम बात करें 6वीं नंबर की, तो 6वीं नंबर पर अनएक्सपेक्टेड रविचंद्र अश्विन, जिसको इस बार CSK ने रिटेन नहीं किया बल्कि किंग 11 पंजाब ने इसको 7.6 करोड़ में ख़रीद लिया। दोस्तों अगर हम बात करें 5वीं नंबर की, तो 5वीं नंबर पर है केदार जाधव को इस बार 7.8 करोड़ में CSK ने ख़रीद लिया, यानी इस बार केदार जाधव CSK की जानिब से खेलते हुए नज़र आएंगे, यानी इस बार केदार जाधव पीली जर्सी में नज़र आएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें 4वीं नंबर की, तो 4वीं नंबर पर है संजू सैमसन पे उसकी टीम राजस्थान ने फुल ऑन बैटिंग की है और लास्ट तक बैटिंग की है और फाइनली उन्होंने 8 करोड़ में संजू सैमसन को रिटेन किया है। दोस्तों अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो टॉप 3 में तीसरे नंबर पर है कुणाल पांड्या पर भी फुल ऑन बैटिंग हुई है, हर टीम ने उस पर बैटिंग की है लेकिन फाइनली मुंबई इंडियन ने उसको RTM कार्ड की मदद से 8.8 करोड़ में ख़रीद लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर है KL राहुल, जो कि पिछले साल RCB की जानिब से खेलते हुए नज़र आ रहे थे लेकिन इस बार उसको किंग्स 11 पंजाब ने 11 करोड़ में ख़रीद लिया है। दोस्तों अगर हम बात करें पहली नंबर की, तो पहली नंबर पर भी 11 करोड़ खर्च हुए हैं लेकिन उसको उसकी टीम ने नहीं बल्कि किसी और टीम ने ख़रीद लिया है और वो प्लेयर है मनीष पांडे को इस बार KKR ने ख़रीदा नहीं क्योंकि उनको लगा था कि हमारे रेंज से बहुत ही बाहर चला गया और मनीष पांडे को 11 करोड़ में सनराइज़र हैदराबाद ने ख़रीद लिया है। दोस्तों ये थी पहले दिन की टॉप इंडियन लिस्ट, हो सकता है कि दूसरे दिन ऑक्शन में इस लिस्ट में कुछ तब्दीली हो लेकिन अब तक के लिए यही न्यूज़ है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। It's terrifying.